बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम योर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री बुक। नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स। आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 8। द टॉपिक दैट वी विल डिस्कस टूडे इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलुमिनियम। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन हाउ एलुमिनियम रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है ग्रुप 3A एलिमेंट्स का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ग्रुप 4A एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलुमिनियम। इट्स फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद एयर। एयर मीन एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स। व्हेन ए पीस ऑफ एलुमिनियम शीट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, इट अक्वायर्स अ थिन कंटिन्यूस कोटिंग ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड। मॉइस्ट एयर मीन ऐसी एयर जिसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे, और एयर के अंदर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दैट इज O2 वो तो प्रेजेंट ही होती है। तो रिएक्शन विद एयर का मतलब ये होता है कि जब कोई भी सब्सटेंस एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन विद एयर। अब इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक एलुमिनियम शीट है या एलुमिनियम मेटल है, उसकी सरफेस के ऊपर जो एलुमिनियम के मेटल एटम्स मौजूद हैं दे रिएक्ट विद एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, एज ए रिजल्ट एक ऑक्साइड बनता है दैट इज़ एलुमिनियम ऑक्साइड। यानी मेटल की सरफेस के ऊपर एक थिन लेयर बन जाती है एलुमिनियम ऑक्साइड की, कोटिंग की तरह। अब इस चीज़ को हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें कि ये एलुमिनियम है, ये एलुमिनियम मेटल है, इसके ऊपर सरफेस के ऊपर एलुमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। एलुमिनियम ऑक्साइड की ये लेयर प्रोटेक्टिव लेयर होती है और अनरिएक्टिव लेयर है। प्रोटेक्टिव लेयर इन द सेंस के जब एलुमिनियम ऑक्साइड बनेगा तो फर्दर एलुमिनियम जो एटम्स हैं उन तक वो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी और फर्दर एलुमिनियम ऑक्साइड नहीं बनेगा, बल्कि ये जो सबसे ऊपर लेयर एक बनी है ये प्रोटेक्ट करती है एलुमिनियम मेटल के इंटरनल पार्ट को। अब यहाँ पे देखें अगेन, अगर ये एलुमिनियम है इसके ऊपर ये एक लेयर बनी है, किस चीज़ की है, ये एलुमिनियम ऑक्साइड की है और ये प्रोटेक्टिव लेयर है। दिस लेयर प्रिवेंट्स फर्दर अटैक ऑन द मेटल बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अब अगर कंडीशंस नॉर्मल है, यानी कि हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल है, कंडीशन सारी नॉर्मल है, तो उस सूरत में फर्दर अटैक नहीं होता। इस चीज़ को हम इस तरह से इस फिक्स से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये नीचे जो है ये एलुमिनियम, सारी के सारी एलुमिनियम के मेटल एटम्स हैं। इनफेक्ट जो एलुमिनियम की शीट है या एलुमिनियम मेटल है, इसके अंदर सारे एलुमिनियम के एटम्स ही होते हैं, जैसे कि यहाँ इस तरह से शो किए हुए हैं, ये सारे एलुमिनियम के एटम्स हैं। अब ऊपर वाली जो लेयर है ये कोटिंग है ऑक्सीजन एटम्स की। अब ये एलुमिनियम इन ऑक्सीजन एटम्स के साथ रिएक्ट करते हैं और एज अ रिजल्ट क्या बनता है, एलुमिनियम ऑक्साइड बनता है। यानी कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ये एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन होती है। अब जब ये एलुमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे इस फर्स्ट लेयर पे एलुमिनियम ऑक्साइड बन जाता है या सेकेंड लेयर के कुछ एटम्स के साथ, तो फर्दर जो डीप एलुमिनियम एटम्स की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एलुमिनियम ऑक्साइड नहीं बनाते। इसलिए हम कहते हैं कि ये एलुमिनियम ऑक्साइड की लेयर का बनना इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर, और नॉर्मल कंडीशन में फर्दर अटैक जो डीप एलुमिनियम के मेटल एटम्स हैं उन तक फर्दर अटैक पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ ऊपर वाले जो एटम्स हैं वही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एलुमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है। बिकॉज ऑफ दिस एलुमिनियम शीट आर सेट टू बी कोरोजन फ्री। अब इस लाइन का मतलब ये है कि क्योंकि एलुमिनियम ऑक्साइड की लेयर को हम प्रोटेक्टिव लेयर कह रहे हैं, इस प्रोटेक्टिव लेयर की बनने की वजह से हम कहते हैं कि एलुमिनियम की जो शीट्स हैं ये कोरोजन फ्री, यानी जंग नहीं लगता। अब जैसे फर्ज करें एक आम आयरन है, आपने ज़रूर देखा होगा अपने इर्द गिर्द कि आयरन की जो हमारे पास जहाँ पे कोई आयरन मेटल प्रेजेंट होती है इसकी ऊपर वाली सरफेस के ऊपर कोई पेंट वगैरह कर देते हैं, कोई शीट सी बना देते हैं थिन सी। इसका मतलब ये होता है कि जो इंटरनल हमारे पास आयरन मेटल है इसके ऊपर एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्ट एयर अफेक्ट ना करें, और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंपाउंड्स बनते हैं जो कि कोरोजन काज करते हैं वो कंपाउंड्स ना बने। तो एलुमिनियम के ऊपर भी इसी तरह से एलुमिनियम ऑक्साइड की क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर बनती है, ये लेयर प्रिवेंट करती है एलुमिनियम को फ्रॉम फर्दर कोरोजन, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कोरोजन फ्री है।
However, if the aluminium powder is heated to 800 degree centigrade and above, the metal will react with air to form following compound, that is aluminium oxide Al2O3 and aluminium nitride. हम इसे पहले डिस्कस कर रहे थे कि जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है तो ये अंडर नॉर्मल कंडीशंस हो रहा है, लेकिन फर्ज करें कंडीशंस अगर नॉर्मल नहीं है, इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड और एल्युमिनियम पाउडर प्रेजेंट है, तो एल्युमिनियम मेटल के जो एटम्स हैं वो रिएक्ट करते हैं एयर के साथ और एज अ रिजल्ट दो कंपाउंड बनते हैं, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा एल्युमिनियम नाइट्राइड, क्योंकि नाइट्रोजन भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस तरह से रिएक्शन होता है। अब केमिकल इक्वेशंस के थ्रू भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये नज़र आ रहा है आपको, दिस इज एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड और सेकेंड एल्युमिनियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म एल्युमिनियम नाइट्राइड। द रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय द एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड इंटेंस वाइट लाइट। जब ये केमिकल रिएक्शन होता है जो कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हुआ है, इस रिएक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट या इंटेंस वाइट लाइट जो है वो इवॉल्व होती है, वो निकलती है। अब इस वाइट लाइट को जो कि निकल रही है, इसको भी हम फर्दर यूज़ करते हैं, वो किस तरह से, वो नेक्स्ट स्लाइड से हमें शो हो सकता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज मेड यूज ऑफ इन फ्लैश लाइट फोटोग्राफी। अब फ्लैश लाइट फोटोग्राफी का क्या मतलब है, जिसमें ये हम जो वाइट इंटेंस वाइट लाइट जो थी वो इवॉल्व हुई थी उसको इस्तेमाल करते हैं। फोटोग्राफी का तो आपको पता होगा, फोटोग्राफी का मतलब ये होता है कि पिक्चर्स टेक करना फिर उसको प्रोसेस करना, और जब हम फोटोग्राफी कर रहे हैं तो इसके लिए प्रॉपर लाइट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर इस तरह का है जहाँ पे फोटोग्राफी हो रही है कि अंधेरा है या रात का टाइम है या इंडोर कोई एक्टिविटी हो रही है उसमें फोटोग्राफी हो रही है, तो प्रॉपर लाइट नहीं होती, सफिशिएंट लाइट नहीं होती, उस केस में फ्लैश ऑफ लाइट हम यूज़ करते हैं ताकि उस सारे के सारे इन्वायरमेंट को इल्यूमिनेट किया जा सके, रोशन किया जा सके। तो ये जो वाइट लाइट यहाँ पे निकली है, इस वाइट लाइट को, इंटेंस वाइट लाइट को हम एज अ फ्लैश लाइट यूज़ करते हैं। इस फ्लैश ऑफ लाइट को हमने जब किसी भी ऐसे जगह पे डालना है जहाँ पे अंधेरा है, इंडोर अगर हम फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वहाँ पे रिजल्ट अच्छा आता है। तो फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में भी हम एल्युमिनियम के रिएक्शन की इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ एबिलिटी ऑफ एल्युमिनियम टू कम्बाइन विद बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द मेटल इज ऑफन यूज टू रिमूव एयर बबल्स फ्रॉम मोल्टन मेटल्स। अब कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें मोल्टन मेटल के अंदर एयर बबल्स, एयर प्रेजेंट होती हैं। अब क्योंकि एल्युमिनियम रिएक्ट कर लेती है एयर के साथ, उसमें मौजूद ऑक्सीजन के साथ भी और उसमें मौजूद नाइट्रोजन के साथ भी, तो अगर हम ऐसा कोई प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास मोल्टन मेटल्स हैं और उसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो फिर हम एल्युमिनियम को यूज़ करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम की एबिलिटी है कि वो इस ऑक्सीजन जो कि मोल्टन मेटल के अंदर प्रेजेंट थी उसके साथ और उसमें मौजूद नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, कंपाउंड बनाएगी, और इस तरह से हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मोल्टन मेटल्स के अंदर से रिमूव करते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशंस कोरोड एल्युमिनियम बैडली, सो एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम अलॉयज आर नॉट सुटेबल फॉर मैरीन यूज। अब क्योंकि मैरीन मीन समंदरी, समंदर के इस्तेमाल के लिए, यानी शिप बनाने के लिए मैरीन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, सी से रिलेटेड है ये। तो सॉल्ट सॉल्यूशन, हम सबको पता है कि जो समंदर का पानी है वो बहुत सॉल्टी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन के प्रेजेंस में एल्युमिनियम जो है वो बुरी तरह से अफेक्ट होता है, चाहे एल्युमिनियम हो चाहे एल्युमिनियम से बनी हुई कोई अलॉय हो। तो इस वजह से, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन प्रेजेंट है, होता है समंदर के पानी को, हम कहते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम इनको इस्तेमाल नहीं करते। जो सेकेंड केमिकल रिएक्शन है एल्युमिनियम का, दैट इज रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अब हीटेड एल्युमिनियम कंबाइंस विद द हैलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कार्बन, ये सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं। हैलोजन्स भी नॉन मेटल्स हैं, सल्फर भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी, कार्बन भी, ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं। जब एल्युमिनियम को हीट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ तो केमिकल रिएक्शन होता है, जैसा कि हम केमिकल इक्वेशन भी देखेंगे आगे के किस तरह से रिएक्शन हुआ। दीज रिएक्शंस अकम्पनीड बाय द एवोल्यूशन ऑफ हीट, इन रिएक्शंस में भी हीट रिलीज होती है। मसलन एक इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, दिस इज एल्युमिनियम रिएक्ट विद क्लोरीन और एज अ रिजल्ट एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है।
एल्यूमिनियम ऑन हीटिंग विद हाइड्रोजन फॉर्म्स एल्यूमिनियम हाइड्राइड. अब इसकी केमिकल इक्वेशन ये है, दिस इज एल्यूमिनियम Al रिएक्ट विद हाइड्रोजन और कंपाउंड क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनेगा. इसमें इस हाइड्रोजन के ऊपर क्योंकि ये हाइड्राइड है नेगेटिव चार्ज होगा. इट्स थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद एसिड्स एंड अल्कलीज. एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक का आपको पता ही है, एम्फोटेरिक इसी ऐसी सब्सटेंस को कहते हैं दैट इज कैपेबल टू रिएक्ट बोथ एज अ बेस और एज अ एसिड. इट डिजॉल्व इन बोथ एसिड्स एंड बेसिस विद द लिब्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. एल्यूमिनियम रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट एसिड एंड मोर रैपिडली विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन. बस रन देखें, दिस इज एल्यूमिनियम. इट रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. अब इसमें से क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी. एल्यूमिनियम इसकी जगह पे एल्यूमिनियम आके लगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना और साथ हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकल जाएगी. एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करते. हाउएवर इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू लिबरेट सल्फर डाइऑक्साइड. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो रिएक्शन होगा और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है. अब देखें, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज एल्यूमिनियम, ये दोनों रिएक्ट करेंगे. एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा वाटर और ये सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि इस प्रोसेस में रिलीज होगी और ये रिएक्शन उसी सूरत में होगा जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट हो. एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एट एनी कॉन्सेंट्रेशन. नाइट्रिक एसिड किसी भी सूरत एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट नहीं करता. इस वजह से जब नाइट्रिक एसिड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है तो जो कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं वो एल्यूमिनियम के ही होते हैं मोस्टली, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब ये वही प्रोटेक्टिव लेयर है, ये प्रोटेक्टिव लेयर अनरिएक्टिव लेयर भी होती है, प्रोटेक्टिव भी है और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की है जो कि हमने जब लेक्चर शुरू किया था तो उसके स्टार्ट में देखा था कि किस तरह से एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव अनरिएक्टिव लेयर बनती है. उस लेयर की वजह से नाइट्रिक एसिड इसके साथ रिएक्ट नहीं करता. द एसिड इज सेट टू रेंडर द एल्यूमिनियम पैसिव. पैसिव का मतलब ये होता है कि एक्टिव रिस्पॉन्स ये नहीं देगी, यानी रिएक्शन नहीं होगा. नाइट्रिक एसिड इज देयर फॉर फ्रिक्वेंटली ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर्स. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि रिएक्शन नहीं होता नाइट्रिक एसिड का और एल्यूमिनियम का, इसलिए ज़्यादातर कंटेनर्स एल्यूमिनियम ही के बनाए जाते हैं जिसमें नाइट्रिक एसिड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है. एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन बोथ सोडियम एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्युबल एल्यूमिनेट विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन. अब ये इक्वेशन है, एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और हमारे पास ये एल्यूमिनेट बना और हाइड्रोजन यहाँ से इवॉल्व हो जाती है, निकल जाती है. सो दैट्स एंड टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़.